तो चलिए आज हम वर्कशीट नंबर 69 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वर्कशीट में आपने यही सेम चैप्टर पढ़ा था और देखते हैं कि फादर कामिल बुल्के के बारे में और हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग सी बातें पता चलती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने देखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के माध्यम से, इस वर्कशीट के माध्यम से, कि फादर कामिल बुल्के जो जन्मे, यानी कि जिनका जन्म यूरोप में हुआ था, इनकी जन्मभूमि यूरोप थी, लेकिन ये इंडिया में आए, हिंदी नहीं जानते थे। इंडिया में आने के बाद इन्होंने हिंदी के बारे में या हिंदी का खूब प्रचार प्रसार किया और कर्मभूमि इंडिया को बनाया। तो चलिए देखते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। भाई कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी थी कि फादर कामिल बुल्के को अगर आप सिर्फ याद कर लिया तो मतलब ऐसा लगता है जैसे हम कोई लाइट म्यूजिक सुन रहे हैं, हाँ मज़ा आ जाए। इनको याद करने से ही यार ऐसी पर्सनैलिटी आज कहाँ मिलती है। आज लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, लेकिन फादर कामिल बुल्के को देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में समझिए। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा, ऐसे लगता था अगर फादर कामिल बुल्के के दर्शन हो गए तो आपने किसी ठंडे पानी से स्नान कर लिया, आहा मज़ा आ गया। है कोई ऐसा इंसान आपकी नज़र में जिसको देखते ही, जिसको सुनते ही या जिसके बारे में ख्याल आते ही आपके काफ़ी सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं? और उनसे बात करना, कर्म के संकल्प से भरना, ऐसा लगता था कि अगर हमने उनसे बातें कर ली तो बस हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार आ गए, हमारे अंदर बहुत सारी वो नॉलेज आ गई, बातें आ गई, ज्ञान भंडार हमारे अंदर भर गया। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल क्या है, एक टाइम पीरियड है परिमल के दिन, जैसे हम कह सकते हैं विंटर वैकेशन के दिन। तो इसी तरीके से जब हम ये सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे, तो हमारे जो एक पारिवारिक संबंध था उसके बड़े कौन थे, फादर बुल्के। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और हमारी रचनाओं पर वह बेबाक राय और सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते, हमें अपने आशीषों से भर देते। तो बहुत सारी बातें इनके बारे में तारीफ, ऐसा लगता है जैसे तारीख पे तारीख नहीं, तारीफ पे तारीफ इनके बारे में। हमेशा हमें बड़े भाई की तरह प्यार करते, मम्मी पापा बुज़ुर्गों की तरह हमें आशीर्वाद देते और हमें सपोर्ट करते, पुरोहित की तरह हमारे साथ खड़े होते। तो गोष्ठियाँ, जब भी कोई गोष्ठियाँ होती यानी कि डिस्कस होता तो वहाँ पर ही हमारे साथ डिस्कस करने लग जाते। कई बार हम कविता लिखते तो ये हमें अपनी राय देने लगते, मतलब कि काफ़ी यार ग्रेट पर्सनैलिटी। मैंने तो फादर कामिल बुल्के की तरह अपनी लाइफ में कोई इंसान नहीं देखा इस तरह पर्सनैलिटी वाला। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुंह पर उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना बेहद याद आता है, क्योंकि फादर कामिल बुल्के हमारे साथ फैमिलियर हो गए थे, फैमिली की तरह रहते थे। तो जब मेरा बच्चा हुआ और उसका अन्नप्राशन, मैंने भी अपनी बेटी का अन्नप्राशन किया कुछ दिन पहले, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, हमारा दूसरा चैनल है पहाड़ी यादें, उस पर मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो कोशिश करता हूँ डालने की। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो चैनल मिल जाएगा। तो जब इनका अन्नप्राशन हुआ, इनके लड़के का, लेखक के, तो फादर कामिल बुल्के ने ही पहला अन्न डाला था उसके मुँह में, और नीली आँखों में चमक में की चमक में तैरता वात्सल्य, यानी कि प्रेम इनके मन में हृदय में रहता था। किसी ऊंचाई के देवदारू की छाया में खड़े, वैसा लगता था जैसे किसी ऊंचाई में हम देवदारू की छाया। अभी ने देवदारू की छाया क्यों कहा है, क्योंकि देवदारू का पेड़ बहुत बड़ा होता है, और बहुत बड़ा होता है तो उसकी जो पत्तियाँ बहुत घनी घनी होती है, और उसकी छाया जो है ना वो बड़ी सुकून आरामदायक होती है, बड़ी दूर दूर तक उसकी छाया होती है। तो फादर कामिल बुल्के को भी देवदारू के पेड़ की तरह कहा है, जो सबको सुकून दे, छाया दे, ठंडक दे और हवा दे। कहाँ से शुरू करें, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है,
इनके बारे में और क्या क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। हर एक मोमेंट फादर कामिल बुल्की का इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और एक मोटिवेशनल हमारे लिए रहता था। इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते थे, वह हमारे पास आकर रुकती, मुस्कुराते हुए उतरते। देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ उसको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लेखक फादर के बारे में बताते हैं कि हमने कभी उन्हें गुस्सा करते हुए नहीं देखा है, कभी उन्हें परेशान होते हुए नहीं देखा है, कभी उनके मतलब इस तरह की नेगेटिविटी उनके साथ कभी नहीं हुई। हमेशा ममता, प्यार, अपनापन वो लुटाते रहते थे लबालब। अक्सर उन्हें देख करके लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई होगी। ये मेरे मन में भी सवाल आया लेकिन इसका जवाब मुझे भी नहीं मिल पाया कि अक्सर कोई इंसान, फादर कामिल बुल्की सन्यासी है ना, सन्यासी थे वो, अपने यूरोप को छोड़ करके और सन्यासी बनकर के इंडिया में आए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पे समझ ये नहीं आया कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कैसे सन्यासी बन जाता है। भाई सन्यासी कौन बनता है, या तो घर से परेशान हो, या वो बीवी बच्चों से परेशान हो, या वो निठल्ला हो बिल्कुल भी, या वो बड़ा परेशान हो। तो यार ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंजीनियर कैसे, मतलब समझ नहीं आया। तो लेखक भी कहते कि मेरे मन में भी ये इच्छा जगी कि कैसे आखिर ये पॉसिबल हुआ। सब कुछ था इनका, देखो जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई एक बहन, माँ और पिता सभी थे। भाई किसी की मम्मी ना हो, पापा ना हो तो वो सन्यासी बन जाता, किसी का भाई भाई ना हो, सपोर्ट करने वाला ना हो तो सन्यासी बन जाता, बट इस बंदे के पास तो सब कुछ थे, फिर भी ये सन्यासी कैसे बन गया, ये थोड़ा सा सोचने वाला है। चलिए अब देखते हैं, फादर को याद करना किसके समान था, सिर्फ याद करना। तो यार याद करना, आपको याद करना पड़ेगा कि इनको याद करना उदास संगीत सुनने जैसा है। ऐसे लगता है जैसे शांत हमने संगीत म्यूजिक सुना तो बस आपको लगेगा इसका आंसर बड़ा आसान है। लेखक को सबसे ज़्यादा याद आता है, लेखक को सबसे ज़्यादा क्या याद आता है, जब लेखक ने उनके बच्चे के मुंह में पहला अन्न का दाना डाला तो वो इन्हें बहुत याद आता है कि उनके किस तरह से वो अपनापन दे के गए हैं। फादर में के परिवार में कौन कौन थे, बड़ा यार आसान सा सवाल है, कौन कौन थे। देखो दो भाई थे, एक बहन थी, एक मम्मी और एक पापा, है ना। तो कितने लोगों को टोटल, दो भाई, एक बहन, एक मम्मी, एक पापा और एक स्वयं थे, तो टोटल कितने लोग हो गए। प्यार में लवालब छलकना क्या है को आप अपने शब्दों में बताइए। प्यार में लवालब छलकना का मतलब होता है जिसके सीने में, जिसके दिल में, जिसके पास प्यार के अलावा दूसरा कोई है ही ना, कुछ ना हो, जो बंदा सिर्फ प्यार करना जानता हो। और प्यार भी यार वो आजकल का प्यार नहीं, बस सिर्फ हवस और वासना नहीं, इसमें वो प्यार है जिसमें रियलिटी अपनापन है, और जो गले भी मिले ना तो ऐसे लगे कि कमाल, मतलब। तो आप इसे थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि यार प्यार में लवालब छलकने का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ प्यार हो और प्यार के अलावा कुछ ना हो। फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फादर की उपस्थिति इसलिए देवदारू की तरह लगती थी क्योंकि देवदारू के पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, बहुत घना होता है, दूर दूर तक फैला होता है और इसके नीचे बैठा रहने वाला प्राणी सुकून में रहता है। इसी तरह फादर कामिल बुल्की के आसपास रहने वाला भी सुकून में रहता है और उसे बड़ा आराम मिलता है। तो चलिए फिर से कठिन शब्द छान करके लिखने हैं और आप मुझे बताइए इसमें से कठिन शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी वर्कशीट आपको रख दी है। चलिए करुणा शायद नया शब्द हो सकता है आपके लिए, इसके इस बाद और क्या हो सकता है, पारिवारिक भी नया शब्द नहीं आपके लिए, बेबाक हो सकता है। तो चलिए इसमें देखो एक बार कौन सा आपको टफ यानी कि मुश्किल सा वर्ड लगता है, उसका आंसर आप मुझे उस वर्ड को आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अगली वर्कशीट को देखते हैं,
अगली एक्टिविटी है मुझे परिमल के दिन। चलिए तो यहाँ पर आपको मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। मैं परिमल शब्द पर जानकारी एकत्रित करके आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो परिमल क्या है? सबसे जो मेन चीज़ है कि परिमल एक साहित्यिक विधा संस्था है, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं एक कम्युनिटी टाइप का है, और इलाहाबाद में परिमल एक साहित्यिक संस्था है, ठीक है। इसमें युवा पीढ़ी क्या करते हैं, जाते हैं और अपने मनपसंद की कविताएं और वापस साहित्य पढ़ते हैं, है ना। जो भी साहित्य प्रेमी होते हैं, जो भी पढ़ना पसंद करते हैं, एक तरह से लाइब्रेरी टाइप की आप इसे कह सकते हैं, और यहाँ पर जाते हैं और पढ़ते हैं। एक दूसरे के साथ में अपने विचार भी शेयर करते हैं, डिस्कशन भी इनका वहाँ पर चलता है। तो लेखक को ये परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि उस परिमल यानी कि परिमल में जो हमारे फादर कामिल बुल्के हैं वो भी उसमें रहते थे, एक सदस्य की तरह थे, और वहाँ पर गोष्ठियाँ होती थी, तो इसलिए लेखक को ये बड़ा याद आता है। तो आई होप आप इस आंसर को भी अच्छे से कर लोगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझना हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फुल वीडियो इसकी एक्सप्लेन करके लाऊंगा, और हम इसे जल्दी ही लाइव सेशन में भी इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।